और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ कंपैरिजन। एक मेरे पास है जो राइट हैंड में फ़ोन है, ये मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी M20। और वहीं जो अगर मैं लेफ्ट हैंड की बात करूँ तो मेरे पास जो दूसरा फ़ोन है ये है मेरा रेडमी नोट 6 प्रो। तो मैं इन दोनों फ़ोन का कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपको इन दोनों फ़ोनों में से कोई भी फ़ोन परचेस करना है, जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है इसको मैंने 11,000 रुपये का परचेस कराया। और मेरे पास जो ये वेरियंट है ये 3GB 32GB वेरियंट है। वहीं अगर बात करी जाए रेडमी नोट 6 प्रो की, जो मेरे पास ये वेरियंट है 4GB 64GB है और मैंने ये 14,000 रुपये का परचेस करा था। लेकिन अब जो है फ़ोन के प्राइस घट रहे हैं तो ये फ़ोन आपको 13,000 में मिल ही जाएगा। तो इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ दोनों फ़ोन का कंपैरिजन। जो कंपैरिजन करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको दोनों फ़ोन की बताने वाला हूँ और दोनों फ़ोन दिखने में कैसे लगते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, और आपको कौन सा फ़ोन परचेस करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैटरी की। तो जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात की जाए रेडमी नोट 6 प्रो की तो उसमें आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही दोनों फ़ोन आपके आँखों के सामने अभी इस टाइम होंगे, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप देखोगे कि जो सैमसंग गैलेक्सी M20 है आपको उसमें इन्फिनिटी वी नोच देखने को मिल रही है। वहीं बात करी जाए रेडमी नोट 6 प्रो की तो उसमें आपको एक बहुत बड़ी सी नोच देखने को मिल रही है। तो ये अगर ये आपके ऊपर है कि आपको इन दोनों नोच में कौन सा नोच आपको पसंद आता है, अगर आप फोन परचेस करते हैं तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फोन लेना है, ड्यू ड्रॉप नोच वाला फोन लेना है या आपको एक बड़ी नोच वाला फोन लेना है। तो आपको जो भी पसंद आए आप उस फोन को ले लेना। वही बात करी जाए प्रोसेसर की तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रेडमी नोट 6 प्रो है इसमें आपको स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर दिया गया है। वही बात करी जाए सैमसंग गैलेक्सी M20 की तो उसमें जो एक्सीनोस का 7904 प्रोसेसर देखने को मिलेगा आपको। सैमसंग का तो ये कहना है कि जो एक्सीनोस का ये 7904 प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन 660 को भी टक्कर दे देगा और स्नैपड्रैगन 636 को भी दे देगा। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चली जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर कैमरे की बात करते हैं तो मैं अब दोनों फ़ोन में आपको यहाँ पे कैमरे ओपन करके मैं कुछ फ़ोटोज़ आपके सामने अभी क्लिक करता हूँ और मैं आप देख लेना कि कौन से में ज़्यादा फ़ोटोज़ बढ़िया आ रही हैं। तो ये मैंने रेडमी नोट 6 प्रो का कैमरा ओपन करा और वहीं मैं यहाँ पे भी सैमसंग गैलेक्सी M20 का भी कर लेता हूँ। और तो मैंने ये कैमरा सर्च करा और ये कैमरा आ गया। और ये पहले मैं एक फ्रंट में फ़ोटो क्लिक करता हूँ तो मैंने ये सेल्फी मोड मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो जैसे कि आप देख रहे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस ही आ रही है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आप इंस्टाग्राम का फिल्टर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करता हूँ और मैं ये करने वाला हूँ और आप देख सकते हैं कैसी फ़ोटो आई है। आपको दिख गया होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे हमने कोई फ़िल्टर यूज़ कर लिया है। तो मैं वहीं पर अब मैं रेडमी नोट 6 प्रो में एक फ़ोटो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको और आप देख सकते हैं कि दोनों फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये तो आपने देख ही लिया होगा कि दोनों फोन तो ये मैंने दोनों फ़ोन में जूम कर दिया है और तो आपने देख ही लिया होगा कि कौन सी फ़ोटो ज़्यादा अच्छी आई है। डेफिनेटली यहाँ पर रेडमी नोट 6 प्रो का जो फ्रंट कैमरा है वो ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे एजेस की बात करी जाए तो एजेस भी जो है रेडमी नोट 6 प्रो में अच्छे से कैप्चर हुए हैं। तो मैं अब यहाँ पे एक रेयर में फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। पहले मैं सैमसंग गैलेक्सी M20 से फ़ोटो क्लिक करने जा रहा हूँ तो मुझे इसके लिए अपना फ़ोन उठाना होगा और मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो क्लिक कर ली है सैमसंग गैलेक्सी M20 से और ये इस तरह की फ़ोटो आई है। अब मैं यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो से फ़ोटो क्लिक करने जा रहा हूँ और ये मैंने रेडमी नोट 6 प्रो से फ़ोटो क्लिक करी है। तो आपको दिख ही गया होगा कि ज़्यादा फ़ोटो किसमें अच्छी आई है। अगर लाइटिंग की बात करी जाए तो रेडमी नोट 6 प्रो में आई है लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M20 में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी लाइटिंग की कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। लाइटिंग मेरे यहाँ बिल्कुल ठीक आ रही है। बाकी मैं यहाँ पे जूम करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने जूम करा सैमसंग गैलेक्सी M20 और ये मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। रेडमी नोट 6 प्रो में ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन में काफ़ी ही अच्छी फ़ोटोज़ आई है यहाँ पर। बाकी मैं एक YouTube पे वीडियो चला लेता हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाए कि अगर आप YouTube ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर रहेगा। खुले हुए हैं तो मैं यहाँ YouTube सर्च करता हूँ। ये YouTube मैंने यहाँ पे ओपन करा और मैं बाकी इसमें भी कर लेता हूँ। इसमें ये रहा YouTube और ये Vivo V15 Pro भी फ़ोन लॉन्च होने वाला है तो हम यहाँ पे इसी वीडियो को चला लेते हैं।
दोनों फ़ोन में अगर वीडियो की बात करें तो काफ़ी बढ़िया चल रही है दोनों फ़ोन में, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी M20s में थोड़ी आवाज़ कम लगी मेरे को, बाकी रेडमी नोट 6 प्रो में जो आवाज़ है वो काफ़ी तेज़ है। और मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि सैमसंग गैलेक्सी M20 जो है उसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन रेडमी नोट 6 प्रो में आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा। तो ये एक अंतर है दोनों फ़ोन में। और रेडमी नोट 6 प्रो में आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगी, सैमसंग गैलेक्सी M20 में फास्ट चार्जिंग दी गई है। और मैं आपको एक बार दोनों फ़ोन बैक से दिखाया था कि दोनों फ़ोन बैक से कैसे लग रहे हैं। तो ये है रेडमी नोट 6 प्रो बैक से, और ये है सैमसंग गैलेक्सी M20 बैक से। दोनों फ़ोन बैक से देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन जो सैमसंग का फ़ोन है वो एक तरह से फ्लैट है, फिंगरप्रिंट भी एकदम फ्लैट दे रखा है, कैमरा भी एकदम फ्लैट है बिल्कुल। लेकिन जो रेडमी नोट 6 प्रो का कैमरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, बाकी स्पीकर जो है दोनों में नीचे ही दे रखे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग कह रहे हैं कि सैमसंग गैलेक्सी M20 अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरे को फ़ोन में कोई भी कमी नहीं लगी, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, कैमरा भी सैमसंग गैलेक्सी M20 का अच्छा है। आपसे ये कहना चाहूँगा कि दोनों की फ़ोन की बैटरी एक रेडमी नोट 6 प्रो की 4000 की है और सैमसंग गैलेक्सी M20 की 5000 की है, लेकिन दोनों फ़ोन ही आपका एक दिन आराम से निकाल देंगे और अगले दिन आपको फ़ोन चार्ज करना ही पड़ेगा, चाहे इन दोनों में से कोई भी फ़ोन लेते हैं। अगर आपको इन्फिनिटी वी डिस्प्ले वाली नोट पसंद है तो आप सैमसंग गैलेक्सी M20 ले सकते हैं, और अगर आपको ये वाली नोट पसंद है तो आप रेडमी नोट 6 प्रो ले लेना। कैमरे की बात करें तो कैमरे दोनों फ़ोन के अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सैमसंग गैलेक्सी M20 का ये कैमरा फ्रंट कैमरा मेरे को पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को इस तरह की फ़ोटोज़ पसंद नहीं होती इंस्टाग्राम पे, जो बिल्कुल एक तरह फ़िल्टर को ऐसा लग रहा था जैसे फ़िल्टर यूज़ कर लिया है। उस मामले में यहाँ पे मुझे रेडमी नोट 6 प्रो फ़ोन ज़्यादा बढ़िया लगा। रेयर कैमरा दोनों फ़ोन के अच्छे हैं। वही मैंने YouTube पे वीडियो चलाई थी, दोनों में वीडियो बढ़िया चल रही थी। तो यही था इस वीडियो में, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।